खबरें विस्तार से। नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर में बिगड़े वाटर एटीएम के संधारण का कार्य शुरू कर दिया गया है। गर्मी के मद्देनजर निगम प्रशासन द्वारा इस कार्य की शुरुआत की गई है। भिलाई नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर के बिगड़े वाटर एटीएम के संधारण कार्य की शुरुआत की गई है, जिसके लिए जवाहर नगर गौरवपथ स्थित वाटर एटीएम से कार्य किया जा रहा है। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा वाटर एटीएम के संधारण कार्य का कार्य किया जा रहा है। असामाजिक गतिविधियों में संलग्न लोगों द्वारा इस वाटर एटीएम में लगे तमाम उपकरणों को चोरी कर लिया गया था, जिसमे नए उपकरण लगाए जा रहे हैं। संधारण की जानकारी कंपनी के कर्मचारी ने दी। ये वाटर एटीएम एक दो महीना से बंद था, तो मैं क्या रिपेयरिंग करके तो फिर से चालू करूंगा ताकि लोगों को पानी का लाभ मिल सके और ये गर्मी भर इसको चालू रहेगा ये और लोगों को पानी का लाभ मिल सके। समस्या है क्या कि यहाँ के लोग क्या तोड़ देते हैं, जब भी बनाते हैं तोड़ देते हैं। यहाँ के लोगों को इतना जरूरत पता नहीं महसूस है कि नहीं है, लेकिन तोड़ देते हैं उसके कारण। लेकिन हम ऐसा बनाते हैं, आज भी मैं रिपेयरिंग ही कर रहा हूँ और लोगों को पानी का लाभ मिलेगा। तो उनका भी सर वैसे है, बाकी बहुत लोग बहुत जगह तो चालू है, अच्छा से चल रहा है, बाकी दो चार जगह है जो लोग तोड़ देते हैं, दारू पीते यहाँ बैठते हैं तोड़ देते हैं। बहरहाल निगम का यह कार्य सराहनीय है, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे।